की शिद्दत के बावजूद एक फैसला जो आपने लिया, संघर्ष करने का जो रास्ता आपने इख्तियार किया, मैं उसको सलाम करता हूं। और संघर्ष ही एक रास्ता है हमारे पास अपनी बात को मनवाने के लिए। जो आपने फैसला किया यहां गांव के अंदर आने के लिए, जिस कदर दुश्वारियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, इससे न मैं ये कह सकता हूं कि मुझे मालूम नहीं, और न कोई तेरा दूसरा साथी नेता किसी भी पार्टी का हो ये कह सकता है कि उनको मालूम नहीं। आपने फैसला किया कि हम चुनाव में 2012 के वोट नहीं डालेंगे, और ये तमाम मेरे साथियों ने मुझे कहा कि आप गांव में एक बार आ जाओ 14 में और ये लोग वोट डाल देंगे। तब भी मैंने एक बात कही थी कि जो काम मेरी औकात का नहीं है मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं कभी जनता के बीच में झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं। अगर सरकार जीत गया, सरकार में आ गया, तो कहने की जरूरत नहीं है, फिर मैं खुद करूंगा, क्योंकि मेरा जुनून काम करने का है। और मैं एमएलए जब रहा मैंने कर नहीं दिखाया था, सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र को नंबर वन बनाने का काम मैंने 5 साल के अंदर किया था, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरे पिछले चुनाव में आप लोगों ने वोट डाला, वोट दिया पूरा, और मेरी वजह से दिया। सैनी साहब एमएलए बने, सैनी साहब ने कुछ यहां पर वादा किया, और मुझे भी यहां कर पता चला कि वो वादा पूरा नहीं हुआ। उसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान मसूद की है पूरा कराने की। आपके लिए मैं जवाब दे, मैंने प्रधान जी को भी कहा और अभी आपको भी कहा कि उसको तुरंत मैं जो कर सकते हैं विधायक निधि से उसको तुरंत कराने का काम करें, चाहे वो 20 लाख का हो चाहे वो 25 लाख का हो। लेकिन ये पुल का जो मांग है, जब या तो शुरू ना करते और शुरू कर दिया तो हटना मत, क्योंकि ये काम ठाकुर शुगर मिल पर जब चालू हुआ था मैंने तब भी कहा था, तुझे लोगों ने बुलाया था, मैंने कहा यार काम चालू मत करो और चालू कर रहे हो तो अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार रहना, आगे आगे हम चलेंगे, तुम पीछे चलना। अब आपने ये काम शुरू किया है, आंदोलन एक या दो दिन का नहीं होता, आंदोलन को मान के चलिए कि लंबा किस्सा है। अभी ये 2 गांव के अंदर चल रहा है, ये 2 गांव से बढ़कर 4 गांव में आएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, वो जनता की समस्याओं से हाथ नहीं मोड़ सकता, और अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो पुल कौन सी बड़ी चीज है कि जो ना बन पाए। हम सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, सब लोग मिलकर के अगर काम करेंगे, संघर्ष की बात करेंगे, तो कौन सा ऐसा रास्ता है कि जो बनना बन पाने का रास्ता बनता होता है। प्रधान जी अभी मुझे कह रहे थे कि भाई जी हमने शुरू कर दिया, अंजाम तक हटेंगे। मेरे प्रधान जी हम आपके साथ। अब आपने ये शुरू किया है आंदोलन, अभी 3 दिन चार दिन हो गए ना, 13 दिन, तीसरा दिन हो गया ना, मैं हाँ वो तो देखो मैंने आपको कहा था, वो मैं माइक पर नहीं डिस्कस करना चाहता, मैंने बस प्रधान जी से मेरी बात हुई थी। लेकिन अब ये आपने जब शुरू कर दिया तो इसको प्रशासन को गंभीरता के साथ लेना, और यहां कोई प्रशासन का आदमी हो तो कान खोल के वो भी सुन ले भाई। लाठी डंडा गोली हम चलाने वाले नहीं, हम खाने वाले। आप हमारे अहिंसात्मक शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के चल रहे आंदोलन को अगर जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास करोगे तो संघर्ष का रास्ता हम इख्तियार करने का काम करेंगे। ना यहां कोई सड़क जाम है, ना यहां कोई रोड जाम है, ना यहां कोई किसी को सार्वजनिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अपने दर्द को, अपने तकलीफ को कहने का इख्तियार अगर हमको अपने कमरे में भी नहीं है तो किस तरह से बोलने का काम करेंगे। जो रास्ता हमको महात्मा गांधी ने दिखाया अहिंसात्मक रास्ता, उस अहिंसात्मक रास्ते पर चलते हुए आंदोलन करना हमारा अधिकार है।
अधिकार को इस्तेमाल करने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आप सब लोगों के हौसलों की दाद देना चाहता हूं और इन बहनों के हौसलों की दाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर करके एक नजीर पैदा करने का काम करोगे। वो नजीर जो आने वाले दिनों में और जगहों के ऊपर हो रहे कामों के अंदर देरी को इन शासन और प्रशासन के लोगों को खोलने का काम करेगी। और यहाँ के आसपास के चारों तरफ बांध के लोगों को भी हम लोग मोबिलाइज करके कहेंगे कि आज यहाँ जुल्म हो रहा है, आज यह सदम हो रहा है, आज सब लोग यहाँ खड़े होकर के करो। ये राजनीति करने का अड्डा नहीं है, ये राजनीति करने का मंच नहीं है, ये लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ काम है। और लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए काम में हम लोग जाति धर्म पार्टी तमाम बाधाओं को तोड़ करके एकजुटता के साथ खड़े हो जाए। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको और आपके हौसले को फिर दाद देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि आप लोगों का ध्येय आप लोगों के हैं और आप लोगों के रहेंगे। आप लोगों ने जो काम किया है इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए साथियों आप लोगों को लड़ना होगा, आप लोगों को संघर्ष करना होगा। और मैं तमाम आसपास के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आपके संघर्ष के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होने का काम करें साथियों। और मैं तमाम भाइयों से कहूंगा जो विपक्ष के उनसे भी और जो सत्ता पक्ष के उनसे भी कि ये वोट मांगने का या वोट लेने का कोई जरिया नहीं है। आप अपने लोगों से भी कहिए, आप अपने लोगों से भी कहिए कि सब लोग मिलकर के हम लोग मुश्तरका हम लोग सामूहिक प्रयास करें और इस सामूहिक प्रयास के अंदर हमारी निश्चित रूप से विजय होगी, ये आप तय मानने का काम करें साथियों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और फिर मैं एक उम्मीद के साथ जब जब आप मुझे एक कॉल करोगे मैं तुरंत दौड़ करके आऊंगा। आपके आंदोलन के अंदर जिस दिन आप यहाँ से चलने का फैसला करोगे कि हमें आगे चलना है तो आगे राह दिखाने के लिए सबसे आगे इमरान मसूद चलने का। अपने चुनाव में झूठ नहीं बोल सकता तो चुनाव भी नहीं है साथियों। आप उन्हें एक मुझे प्रधान प्रधान का फोन आया, एक बार आगे कह दो सारा गांव तुम्हें वोट डाल देगा। मैंने प्रधान जी झूठा वादा इमरान के मुझे वोट डले या ना डले लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे साथ निभाना है। कब तक झूठ बोल करके चल पाओगे? इसलिए मैंने नहीं बोला, आज बोल के जा रहा हूँ आपसे कि जिस दिन ये फैसला होगा कि हमें आंदोलन को सहारनपुर या बेहद आगे लेकर के जाना है पुलिस की लाठी खाने के लिए आगे आगे इमरान मसूद चलने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।